हो ना हो, हर बार की तरह इस बार भी इशिका ने ही सोसाइटी के लोगों को हमारे खिलाफ भड़काया है। जिस वजह से जहान आंटी के घर के बाहर कचरा पड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें चोट लग गई और जहान आंटी के घर की वो हालत कर दी। इशिका को जहान आंटी से माफी मांगनी होगी। माफी मांगो? इसकी हिम्मत कैसे हो रही है मुझसे ऐसे बात करने की? अमृता सही कह रही है, इशिका ने गलत तो किया चिटनिस परिवार के साथ। इशिका को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन इशिका तुम्हें तो अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालनी थी चिटनिस परिवार के साथ। अब अगर इन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज की या सोसाइटी के खिलाफ, नो, सोसाइटी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होनी चाहिए। इसलिए सोसाइटी की सेक्रेटरी होने के नाते मैं इशिका से कहूंगी कि वो आगे आकर चिटनिस परिवार से माफी मांगे। और ये बात यही खत्म करे। बात तो बिल्कुल सही है, माफी तो इशिका को मांगनी ही पड़ेगी। अरे इसी ने हमारे कान भरे थे, अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हो गई ना तो हम इसके खिलाफ ही गवाही देंगे। हम सब भी गवाही देंगे। मैं भी इसके खिलाफ गवाही देंगे। तो बोलो इशिका, सोचो जेल जाना है या यही माफी मांगकर बात खत्म करनी है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। इस सॉरी का बदला तो मैं लेके रहूंगी तुमसे अमृता। वैसे मैंने भी ये मीटिंग इसीलिए बुलवाई थी। नॉट सो सॉरी। भवानी आंटी, बैंकर जहां आंटी, हर्ष, सोसाइटी की तरफ से, सोसाइटी की सेक्रेटरी की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत सॉरी। आंटी, बिना आपकी बात सुने, बिना आपको बोलने का मौका दिए, आपके चरित्र पे, आपकी परवरिश पे, आपकी कैरेक्टर पे कीचड़ उछालने के लिए सॉरी। बिना गलती किए आप लोग को इतना कुछ सहना पड़ा है, उसके लिए सॉरी। थैंक्स टू दीज इज्जतदार पीपल। सीरियसली यार, इतने सालों से जानते हो ना आप लोग भवानी आंटी को, मतलब शर्म भी नहीं आई आप लोग को? वैसे तो आपके सो कॉल्ड परिवार वाले हैं ना, ए विंग वाले लोग, साथ दिया इन लोगों ने आपका? कितने सालों से जानते हो आप लोग भवानी आंटी को? 20-25 साल से। आप लोग के बच्चे हर्ष के साथ बड़े हुए। जब कभी कोई घर में बीमार होता है, बुखार, सर्दी, गला खराब, किसके पास जाते थे आप लोग? डॉक्टर सोलंकी के पास? नहीं ना, हर्ष के पास जाते थे ना, ताकि मुफ्त में इलाज हो जाए, पैसे ना भरने पड़े। और जो दवा वो देता था आप लोग ले आते।
और आग बन करके खा भी लेते थे। अपनी जान को लेके आप लोग इस पे भरोसा कर रहे थे, इसके कैरेक्टर पे भरोसा नहीं कर पाए आप लोग। एक बार आप लोगों ने सोचा कि वो ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता, शायद कहानी कुछ और। आंखें नहीं है क्या किसी के पास? नहीं, आंखें तो हैं, देख भी रहे हैं, शायद अक्कल की कमी है। वैसे इट्स ओके भवानी आंटी, आप प्लीज रोइए मत, देयर नॉट वर्थ इट। इस बात ने ना ये प्रूव कर दिया कि ये जो लोग बोलते हैं ना, पड़ोसी भी हमारा परिवार है, हमारे अपने हैं, बकवास है सब। उनको ये आई ताई ये सब चीजें बुलाने से वो एक्चुअली में आपकी आई या ताई नहीं हो जाएगी, रहेंगे पड़ोसी। जैसे आपकी बेटी को भी ये गलतफहमी थी, कई बार बोला इसने मुझे कि हमारे मुंबई में ना जब सोसाइटी में रहते हैं, साथ में रहते हैं तो लोग नेबर्स नहीं होते, सब परिवार वाले होते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के त्योहार मनाते हैं, याद है बोला था ना तुमने? लोग चाहे अलग अलग घर में रहते हो पर दिल से ना वो सब साथ जुड़े होते हैं। अलग देखो इन लोग, सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से ना सिर्फ खून के रिश्ते ही असली पक्के रिश्ते होते हैं। वही लोग एक दूसरे के लिए चीजें करते हैं और सवाल नहीं पूछते, इन लोगों की तरह नहीं है। और क्या कहते हो आप लोग कि सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे, अच्छे बुरे वक्त में साथ निभाएंगे, हंसते खेलते रहेंगे एकदम परिवार की तरह? अनफॉर्चुनेटली जब से मैं यहां पर आया हूं ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। सिर्फ एक चीज देखी है मैंने, आप लोग झुंड बना के आ जाते हो और सीधा भवानी आंटी और उनके पूरे परिवार को अटैक करते हो। अरे हसाना तो दूर की बात, खून के आंसू रुलाए आपने इन्हें, हालत देखिए इनकी। अरे जरा से इशिका ने आप लोग के आके कान क्या भर दिए, पागल हो गए आप लोग? हाँ, सीधा विश्वास उठ गया, आ गए सीधा भवानी आंटी और उनके परिवार को अटैक करने। और नॉर्मली नहीं, एकदम ड्रामे के साथ नारे, घर से निकलो, कमाल करते हो यार, परिवार कहते हो आप लोग? हाँ, ऐसा होता है परिवार? विराट सर सबके सामने, अपनी मॉम के सामने हमारे साथ खड़े, अचानक ये बदलाव